गाइस वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू लर्न विथ मी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था डायरेक्शन और डिस्टेंस, उसका पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री अगर आपने अभी तक ये सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिएगा। आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है। ऑर्डर एंड रैंकिंग का आज मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बताती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहली क्लास में बता दिया था कि ये क्या रहता है लेफ्ट साइड और ये क्या रहता है राइट साइड, ठीक है। इसका यूज़ हमें इस चैप्टर में होगा, ठीक है। लेफ्ट साइड हमारा जो लेफ्ट साइड है वही क्या रहेगा, एग्जामिनर का लेफ्ट साइड रहेगा, और हमारा जो राइट साइड है वही एग्जामिनर का राइट साइड रहेगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अभी क्या रहेगा, अगर ये इधर से मैं राइट साइड पर जाऊँगी, ये क्या हो गया मेरा फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट से जा रहे हैं हम तो क्या हो गया फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। और अगर राइट से जाएंगे तो क्या हो जाएगा फ्रॉम राइट, ठीक है। लेफ्ट से जा रहे हैं तो क्या हो गया फ्रॉम लेफ्ट, और राइट से जा रहे हैं तो क्या हो गया फ्रॉम राइट, ठीक है। अब लेफ्ट से हम किधर जा रहे हैं राइट की तरफ, तो क्या हो जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और वैसे ही राइट से हम किधर जा रहे हैं लेफ्ट की तरफ, तो क्या हो जाएगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो जहाँ पे भी फ्रॉम लेफ्ट दिख गया हमें क्या करना है लेफ्ट से स्टार्ट करना है, और जहाँ पे भी हमें फ्रॉम राइट दिख गया हमें क्या करना है राइट से स्टार्ट करना है, जहाँ पे टू राइट दिख गया हमें क्या करना है राइट की तरफ जाना है, और जहाँ पे टू लेफ्ट दिख गया हमें क्या करना है लेफ्ट की तक जाना है, ठीक है। इतनी बातें समझ आई। ये लेफ्ट रहा, ये राइट रहा। फ्रॉम लेफ्ट मतलब, फ्रॉम लेफ्ट मतलब लेफ्ट से जा रहे हैं, और टू राइट, राइट की तरफ जा रहे हैं तो टू राइट, ठीक है। इतनी बातें आई समझ में। और क्या रहेगा, ये क्या रहेगा फ्रॉम राइट, और किधर रहेगा टू लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट से चल रहे हैं राइट की तरफ चल रहे हैं, राइट से चल रहे हैं लेफ्ट की ओर चल रहे हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। इतना इसका यूज़ हमें अभी क्वेश्चन सॉल्व करने में होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी, मैंने आप लोगों को एक चीज़ सिखाई है, जब भी राइट और राइट रहता है तो क्या ले लेते हैं हम माइनस, क्योंकि ये दोनों क्या है सेम सेम है तो हम क्या ले लेंगे माइनस। वैसे ही लेफ्ट और लेफ्ट रहेगा तो हम क्या ले लेंगे माइनस, राइट और लेफ्ट रहेगा तो क्या ले लेंगे प्लस, और लेफ्ट और राइट रहेगा तो क्या ले लेंगे प्लस, ठीक है। ये सेम सेम रहेगा आर आर तो माइनस हो जाएगा, सेम सेम रहेगा एल एल तो माइनस हो जाएगा, इसमें आर और एल है अलग अलग तो प्लस हो जाएगा, एल और आर है अलग अलग तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें हमें इस चैप्टर में ध्यान रखना है, अगर हम इतनी बातें ध्यान रखते हैं तो ईजिली इस चैप्टर को कर लेंगे, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, मान लो इस चैप्टर में ऑर्डर और रैंकिंग में रहता क्या है, ऑर्डर रैंक और रैंकिंग को हम बोलते हैं क्रम निर्धारण। इसमें क्या रहता है, मान लो ऐसे एक कुछ दे दिया, पंक्ति दे दिया या फिर कुछ भी दे दिया, इसमें बोल दिया एक क्लास में एक रो में कौन कौन बैठा है, या फिर कुछ भी बोल सकता है, एक पंक्ति दे देगा एक रो, उसमें बोलेगा आपको कि एक बच्चे का लेफ्ट साइड से इतने नंबर पे बैठा है, इतने रैंक पे है, और राइट साइड से इतने रैंक पे हैं, तो टोटल कितने बच्चे हो गए, और पूछेगा टोटल इतने बच्चे हैं तो लेफ्ट साइड से इतना है तो राइट साइड से बताओ, टोटल इतने बच्चे हैं राइट साइड से इतना है तो लेफ्ट साइड से बताओ, ठीक है। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये आप लोग को कब समझ आएगा, जब आप लोग ये सब लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट ये ध्यान रखेंगे, और एक लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, इतना चीज़ें बस हमें इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। जब मैं पहला क्वेश्चन पढ़ाऊंगी तो आप लोग को इससे समझ आएगा कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, और किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, हिंदी और इंग्लिश दोनों पर क्वेश्चन लिखा है, जिस क्वेश्चन पर आपको आसानी हो समझने में उससे आप समझने की कोशिश करिएगा। पहला क्वेश्चन क्या लिखा, इन अ रो अंकित इज 19th फ्रॉम द लेफ्ट, एक पंक्ति में अंकित क्या है बाएं तरफ से कितना है 19वें नंबर पे है, और 86th फ्रॉम द राइट और दाएं तरफ से कितना है 86th नंबर पे है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रो, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्या लिखा एक पंक्ति में, तो हम ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये क्या हमारा लेफ्ट साइड है, ये क्या हमारा राइट साइड है, ठीक है।
और क्या बोल रहा है अंकित, ये है लेफ्ट साइड से कितने, फ्रॉम लेफ्ट लिखा है तो लेफ्ट साइड से कितना है, लेफ्ट साइड से कितना है, 19th नंबर पे है, ठीक है, लेफ्ट साइड से आ गया ये 19th नंबर पे। और क्या बोल रहा है राइट साइड से, मतलब इस साइड से ये कितने नंबर पे है, 86 नंबर पे है, ठीक है, अंकित है ये, अंकित है ये, अंकित ही क्या है लेफ्ट से कितना है, अंकित लेफ्ट से कितना है 19 नंबर पे, और अंकित ही राइट से कितना है 86 नंबर पे, ठीक है। तो टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे जब मैं ऐसे बोलूँगी, ये क्या है लेफ्ट से 19th है और ये क्या है राइट से 86 है, तो ये जब 86 हो गया तो इसके पहले वाला कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, 90 और 85 कितना हो गया, 90 और 85, 9 और 5 14 की 4, हंसी लाई 1 8 2 10, टोटल कितने बच्चे आ गए, 104। कैसे पता चला, यहाँ से इतने तक का 19 बच्चे हैं और ये 86 नंबर पे है तो इसका पहले वाला 85 नंबर हो जाएगा, तो ये 19 और ये 85 है, तो टोटल कितने बच्चे होगा, 104 बच्चे, ठीक है। वैसे ही इसका फॉर्मूला बन जाता है एक, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। ये कहाँ से आया पता चला, जब ये 19 था और ये क्या है, यही 86 है, दोनों सेम है, एक तरफ लेफ्ट तरफ से 86 है और राइट तरफ से 19 है, तो ये कितने बार काउंट हो गया, अंकित कितने बार आ गया, अंकित ही 86 है, अंकित ही 19 है, अंकित दो बार आ गया, तो हमें एक अंकित चाहिए, तो हम एक क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। और एक आप लोग कैसे बना लेंगे, डायरेक्ट ऐसे कर लेना, इससे इजी पड़ेगा, माइनस 1 तो करना ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 90 और 86 है, या तो उसको आप लोग ऐसे लिखिएगा, 9 और 6 15 की 5, हंसी लाइए 10 105 माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 104 आ गया। इसी को आप ऐसे बोल सकते हैं, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, मतलब 19 प्लस 86 माइनस 1, तो आ गया 104। इसी को, ये सब लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ कितना ध्यान रखना है कि मुझे दोनों एक ही बंदे का बोल रहा है, अंकित का ही 90 बोल रहा है और अंकित का ही 86 बोल रहा है, तो हम एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करेंगे, अंकित दो बार आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 19 ले ली और एक अंकित को मुझे माइनस करना है, तो मैं क्या कर दूँगी, 86 को 85 कर दूँगी, ठीक है, या फिर 86 है 19 को 18 कर दूँगी, दोनों में से किसी एक नंबर को मैं माइनस 1 कर दूँगी और डायरेक्ट मैं क्या करूँगी, ऐड कर दूँगी, ठीक है, इतना आएगा, या फिर आप ले लो 85 तो भी इतना ही आएगा, ठीक है। आई बात समझ में, टोटल हम कैसे निकालेंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को तीन तरीका बता दिया, एक तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लो, या फिर दोनों को ऐड कर लो उसके बाद माइनस 1 कर लो, ठीक, या फिर डायरेक्ट एक कम करके, डायरेक्ट एक कम करके आप ऐड कर लो, ठीक है। वैसे ये वाला सबसे इजी पड़ता है, हम डायरेक्ट एक कम करके इसको ऐड कर सकते हैं। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो टोटल कितने बच्चे निकल के आ गए, 104। चलिए बढ़ते अब हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ रो ऑफ 86 स्टूडेंट। अब इसमें बता चुका है कि टोटल कितने बच्चे हैं, इसमें 86 बच्चे हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है, राम वाज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। राम क्या है लेफ्ट से कितना है, राम क्या है लेफ्ट से कितना है, 23 पे है। देन व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ राम फ्रॉम द राइट, तो राम क्या है दाएं तरफ से, इसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है। तो अब इसको मैं कैसे निकालूंगी, या तो मैं डायरेक्ट लगा लेती हूँ, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। टोटल है 86, ये आ गया 23 प्लस राइट माइनस 1, 23 में से 21 गया, कितना बचा, 22 बचा। तो अब ये क्या हो जाएगा, 22 प्लस r और ये 86, तो अब 22 को इधर लेके आऊँगी तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 86 में से जब 22 जाएगा तो कितना बचेगा, 64। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 64। एक तो ये तरीका हुआ, और एक दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं, एक डायग्राम से हम कैसे बना सकते हैं, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, पर एग्ज़ाम में आएगा तो आप वैसे ही सॉल्व करना कि 23 में से एक डायरेक्ट माइनस कर लिए तो हमारा आ गया 22 आ गया, और टोटल कितने हैं, 86 हैं, तो 86 में से 22 माइनस कर दिए तो कितना आ गया, 64 आ गया, ठीक है। इतना आप लोग को क्लियर होगा, और ये सब मैं कहाँ से बता रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म में, ये सब मैं बता रही हूँ अपने फॉर्मूले से, ठीक है। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। अब इसको कैसे करूँगी मैं, टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल हैं 86
सिक्स बच्चे, ठीक है टोटल 86 बच्चे हैं। और क्या बोल रहा है, ये क्या है, इधर से कितने लोग हैं, 23 लोग हैं, ठीक है इधर से 23 लोग हैं, तो जब 86 में से 23 गया तो कितना बच जाएगा, 3, 8 में से 2 गया 63, ठीक है ये क्या आ गया, तो इधर से इधर कितने लोग और बचे, 63, ठीक है। जब 86 टोटल हैं उसमें से लेफ्ट ये जो लड़का है, क्या नाम है, राम है जो, उसके इधर कितने लोग आ गए, ये 22 लोग हैं और ये एक आ गया 23 नंबर पे है, तो इधर 22 लोग हैं इधर एक हैं, तो ये टोटल 23 लोग आ गए। अब 86 में से 23 गया तो कितने बच गए, 63, मतलब 63 लोग इधर और हैं, तो जब ये 63 है तो अगला वाला मेरा ये राम कितना आ जाएगा, 64। कैसे पता चला, ये लेफ्ट है ये राइट है, लेफ्ट साइड से राम है 23 पे और टोटल है मेरे 86 लोग, तो 86 में से 23 गया, 63 लोग बचे, तो इधर कितने लोग बचे, 63 लोग, तो ये जब इधर 63 हैं और ये 23 है तो टोटल 86 लोग आ गए, तो इधर 63 हैं तो राम जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा राइट साइड से, ठीक है 63 इधर हैं तो राम जो है इधर से कितना हो जाएगा, 64 आ जाएगा, और वही क्या रहेगा हमारा आंसर रहेगा। पर मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगी कि यही सजेस्ट करूँगी कि टोटल प्लस टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये डायरेक्ट 22 लिख दूंगी, प्लस राइट तो राइट से कितना आ गया 4 और 6, ठीक है कैसे आया 22 मैंने माइनस कर लिया, ठीक है इतना आया मेरा। आई होप सो कितना आप लोगों को क्लियर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या रहा, ये रहा तीसरा क्वेश्चन, इन अ रो रमेश इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट। क्या बोल रहा है, रमेश क्या है, लेफ्ट से 23rd है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, 6 टू द राइट ऑफ सुरेश। अब किसकी बात हो रही है, रमेश क्या बोल रहा है, रमेश क्या है, लेफ्ट से 23 है और छठवा क्या है, दाएं तरफ है किसके, सुरेश के। अब मैं इसका डायग्राम बना लूँगी। डायग्राम कैसे बनाऊँगी, एक लाइन ले लिया मैंने, ये ले लिया लेफ्ट, ये ले लिया राइट, ठीक है। अब क्या बताऊँगी, रमेश क्या है, लेफ्ट से कितना है, ये रमेश आ गया मेरा, रमेश आ गया लेफ्ट से कितना है, 23 पे, ठीक है। और क्या है, 6 टू द राइट, राइट बोला है मैंने, टू राइट मतलब किधर है, ये क्या है, राइट पे है, किसके राइट पे, सुरेश के, तो सुरेश कहीं ना कहीं इस तरफ पे होगा, सुरेश के जब, तो ये राइट साइड पे इधर से राइट जाएगा टू राइट, जब तो राइट तरफ पे होगा, सुरेश के कितने राइट पे है ये, 1, 2, 3, 4, 5 और ये छठवे, ठीक है। क्या बोल रहा है, सुरेश के दाएं छठवे पे है, तो ये सुरेश है, उसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये छठवे पे कौन आ गया, रमेश आ गया। तो ये जब 23 पे है तो ये 22, ये 21, ये 20, ये 19, ये 18, ये कितना गया, 17, ठीक है 22, 21, 20, 19, 18, ये 17, तो इसका लेफ्ट से कितना, सुरेश का लेफ्ट से रैंक कितना गया, 17। इतना क्लियर है ना आप लोगों को, ये लेफ्ट है ये राइट है, लेफ्ट से रमेश की रैंकिंग बोलते 23 है और रमेश जो है वो क्या है, सुरेश के राइट साइड पे कितना है, छठवें नंबर पे, तो मैंने सुरेश कहीं पे ले लिया, उसके 1, 2, 3, 4, 5 छठवें नंबर पे रमेश आ गया। तो ये जब लेफ्ट से 23 पे है तो ये कितना हो जाएगा, 22, 21, 20, 19, 18, 17, ठीक है इतनी बात आ गई समझ में। अब क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन, इन अ रो रमेश इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट एंड 6 टू द राइट ऑफ सुरेश, हु इज 53rd फ्रॉम राइट। अब हु किसके लिए यूज़ हो रखा है, मैंने आप लोगों को पहले बताया हु के पहले जो लिखा रहेगा उसी के लिए हु यूज़ होता है, तो हु किसके लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे, सुरेश के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है सुरेश के लिए यूज़ हुआ है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सुरेश क्या बोल रहा है, सुरेश इज 53rd फ्रॉम राइट, लेफ्ट से तो 17 है पर राइट से कितना आ गया, ये 53rd आ गया, ठीक है। सुरेश क्या बोल रहा है, एक मिनट इसे मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। सुरेश को बोल रहा है ये कि सुरेश जो है वो क्या है, लेफ्ट से 17 है और राइट से कितना आ गया, ये 53rd आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एंड एग्जैक्टली बिटवीन रमेश और दिनेश। अब सुरेश जो है वो किसके किसके बीच में है, रमेश और दिनेश के बीच में है। तो जब बीच में है तो ये सुरेश कैसे हो सकता है, या तो होगा
यहाँ सुरेश होगा बीच में और सुरेश होगा बीच में, या तो रमेश इस तरफ होगा या तो रमेश इस तरफ होगा, तो रमेश और दिनेश और दिनेश और रमेश। तो मैं देख सकती हूँ सुरेश है इधर, रमेश है मतलब सुरेश है इधर, रमेश है, तो दिनेश किधर होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। सुरेश के लेफ्ट साइड पे दिनेश होगा, तो अब कितने लेफ्ट साइड पे होगा, तो दोनों के जब बोल रहा ठीक बीच में है, मतलब सुरेश और रमेश के बीच में जितने लोग हैं उतने ही सुरेश और दिनेश के बीच में होंगे। तो कितने लोग हैं इनके सुरेश और रमेश के बीच में, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये क्या आ गया मेरा, दिनेश आ गया, ठीक है। समझ आ रही है इतनी बात, कैसे पता चला मुझे ये, बोल रहा है क्वेश्चन में कि सुरेश जो है वो एग्जैक्टली बीच में है रमेश और दिनेश के, और मुझे पता है सुरेश के राइट साइड पे दिनेश है, तो लेफ्ट साइड राइट साइड पे रमेश है, तो लेफ्ट साइड पे क्या होना चाहेगा, दिनेश आ जाएगा। और सुरेश और रमेश के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग दिनेश और सुरेश के बीच में होंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम मैंने बना लिया, डायग्राम को मैं एक बार और लिख देती हूँ, दिनेश है सुरेश है और रमेश है, ठीक है। ये दिनेश है, ये सुरेश है, और ये कौन है, रमेश है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 17 है, 17 है लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से कितना है, 53 पे है, ठीक है। और ये कितना है लेफ्ट साइड से, 23 पे है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ, ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, क्या लिखा है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ दिनेश फ्रॉम द लेफ्ट। अब दिनेश की पोजीशन पूछा है वो लेफ्ट से, अब मुझे यहाँ से निकालना है दिनेश की पोजीशन लेफ्ट से। तो मुझे ये पता है ये क्या है, 17 नंबर पर है, तो ये कितना हो जाएगा, 16, ये 15, ये 14, ये 13, ये 12, और ये क्या हो जाएगा, 11, ठीक है। तो इसकी लेफ्ट साइड से पोजीशन कितनी आ गई, 11, तो पहले का आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन मैं जब बनाऊंगी, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ रमेश फ्रॉम राइट, दाएं तरफ से रमेश की पोजीशन पूछा है, रमेश ये रहा, रमेश की पूछा है इस साइड से पोजीशन, ठीक है। अब मैं कैसे करूँगी, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इधर तो मुझे पता नहीं कितने लोग हैं, तो मैं क्या करूँगी, मुझे इसका पता है सुरेश का लेफ्ट और राइट से, तो मैं क्या करूँगी, टोटल निकाल लूँगी, ठीक है। अब टोटल कैसे निकालूँगी मैं, टोटल कैसे निकालूँगी, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, तो कितना हो गया, 17 प्लस 53 माइनस वन, तो इसको डायरेक्ट कितना लिख लूँ मैं, 52 लिख लूँ, और 7 और 2 9, 1 और 5 6, तो टोटल लोग कितने आ गए मेरे, टोटल 69 लोग हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पे लिख लिया मैंने, टोटल कितने हैं, 69 लोग हैं। अब जब टोटल 69 लोग हैं, तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में मुझे, रमेश की राइट साइड से, ठीक है। टोटल 69 लोग हैं, लेफ्ट से रमेश है 23, माइनस वन हो जाएगा प्लस राइट साइड से, ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, तो 23 में से एक गया तो कितना आ गया, 22, और जब मैं इसको इस तरफ लेके आऊँगी तो 22 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 9 में से 2 गया तो 7, 6 में से 2 गया तो 4, तो राइट साइड से रमेश की वैल्यू कितनी आ गई, रैंक कितनी आ गई, 47, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 47। आई बात समझ में। अब चलते हैं हम हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ, तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो, तो अभी मैंने निकाला था टोटल नंबर कितने थे मेरे, टोटल नंबर थे 69, कैसे निकाला था, सुरेश का टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, 17 प्लस 52, तो कितने आ गए थे, 69, ठीक है। 53 में से मैंने एक माइनस कर दिया तो 52 आ गया, ये दोनों को ऐड कर लिया तो 69 आ गया। आई बात समझ में। अब चलते हैं हम हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल पर्सन बिटवीन रमेश और दिनेश, रमेश ये रहा दिनेश ये रहा, इन दोनों के बीच में टोटल पूछ रहा है, तो ये 1 2 3 4 5 ये हैं, 6 और ये 7 8 9 10 11, तो टोटल कितने हैं दोनों के बीच में, 11, तो आंसर कितना आ गया, 11। आई होप सो कि इतना आप लोगों को क्लियर होगा, और मैंने जो आज आप लोग को बताया वो आप लोग को समझ आया होगा। अगली क्लास में मैं इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊँगी, क्वेश्चन में कुछ वैरायटी भी रहेगी, अलग अलग टाइप के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इससे हमारी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आई होप सो कि इतना मैंने आज आप लोग को जो समझा है वो आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो चलिए सेशन को यहाँ पे आज एंड अप करते हैं, टिल देन कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू एंड बाय बाय।